हेलो डियर नॉर्थ साइड एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बात करेंगे जीसीएस यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल। ध्यान से समझिएगा, इन 1974 दो डॉक्टर्स थे, ब्रियान जे जेंटर एंड ग्राहम टेस्डेल। इन दोनों ने ये सबसे पहले पब्लिश किया था ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको शॉर्ट में हम जीसीएस से भी जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है कि जीसीएस का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो क्या यूज हो सकता है। तो आपको देखो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए, अनकॉन्शियसनेस असेस करने के लिए। तो आप क्लियर कट समझना कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए ही हम जीसीएस का यूज करते हैं। अब चाहे उसमें वो फुली कॉन्शियस आए, चाहे अनकॉन्शियस आए, चाहे सेमी कॉन्शियस आए। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की। तो तीन इसके पैरामीटर होते हैं जो हम बेसिकली इसके अंदर असेस करते हैं। फर्स्ट वन इज आई ओपनिंग, सेकंड वन इज वर्बल रिस्पांस, एंड थर्ड वन इज मोटर रिस्पांस। ध्यान से समझिएगा, पहले हम आई ओपनिंग ही देखेंगे, फिर वर्बल रिस्पांस और फिर मोटर रिस्पांस। ये आपके तीनों के तीनों पैरामीटर हैं। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि आई के बाद में वर्बल आएगा, फिर मोटर आएगा, ऐसे ही आपको असेस करना है। याद रखने के लिए आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं EVM, जैसे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती थी उसकी तरह आप याद रख सकते हैं EVM, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस। ध्यान से समझिएगा, एक एक पैरामीटर की बात करते हैं। तीनों पैरामीटर्स के मिनिमम स्कोर 1 होगा जो आप पेशेंट को देंगे, और मैक्सिमम स्कोर है वो आई ओपनिंग का 4 है, वर्बल का 5 है, एंड मोटर रिस्पांस का 6 है। तो कैसे याद रखेंगे, EVM, तीन पैरामीटर EVM, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पांस, मोटर रिस्पांस, और इनके मैक्सिमम मार्क्स कैसे याद रखेंगे, 4, 5, 6। ठीक है, तो ऐसे जो पूरा GCS स्कोर होगा उसका मिनिमम स्कोर होगा 3 एंड मैक्सिमम स्कोर होगा 15। पर ध्यान रहे, एग्जाम में इंडिविजुअल स्कोर भी पूछ सकता है कि आई ओपनिंग का मिनिमम कितना होगा, तो योर आंसर विल बी 1, और यदि वो पूछे कि आई ओपनिंग का मैक्सिमम कितना होगा तो 4 होगा। अब हम इन पैरामीटर्स के डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं आई ओपनिंग की। तो आई ओपनिंग का जो मैक्सिमम स्कोर है वो है आपके 4। तो देखिए, कब हम 4 स्कोर अवॉर्ड करेंगे, कब देंगे ये 4 नंबर। देखिए, जब पेशेंट का हम जीसीएस असेस कर रहे हैं और यदि उसकी स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, अपने आप पेशेंट आंख खोल रहा है और बंद कर रहा है, तो हम उसको मार्क्स देंगे कितने, 4। दूसरी बात, यदि इससे डिटोरिएट है, अपने आप आई ओपनिंग नहीं है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे पेशेंट को वर्बल कमांड देंगे, उसको बोलेंगे आई ओपनिंग के लिए कि आंख खोलिए, या फिर हम कोई साउंड क्रिएट करेंगे जिससे वो आई ओपनिंग करे। यदि हमारे वर्बल कमांड के ऊपर वो रिस्पोंड करके आई ओपनिंग कर देता है तो अब हम उसको मार्क्स देंगे 3। यदि ऐसा भी नहीं है तो और हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, और अब हम पेनफुल स्टिमुलाई पेशेंट को देंगे, और पेनफुल स्टिमुलाई देने पे यदि आई ओपनिंग है तो फिर हम बोलेंगे कि उसको 2 मार्क्स हम अवॉइड करेंगे। और यदि पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी कोई आई ओपनिंग नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। तो ये बात हुई किसकी, आई ओपनिंग की। अब हम बात करते हैं वर्बल रिस्पांस। तो ध्यान से समझिएगा, मिनिमम स्कोर तो 1 है, मैक्सिमम स्कोर 5 होगा। तो वर्बल रिस्पांस को ठीक से समझने की यहाँ पे जरूरत है। वर्बल में 5 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन में हम 5 मार्क्स देंगे। देखिए, जब पेशेंट ओरिएंटेड टॉक कर रहा है, मतलब उसको टाइम, प्लेस एंड पर्सन की सही जानकारी है, तो उसको हम 5 मार्क्स देंगे। 4 मार्क्स कब देंगे, जब टाइम, प्लेस और पर्सन में से कुछ मिसिंग है, या हो सकता है एक्यूरेट टाइम की जानकारी नहीं हो, प्लेस की नहीं हो, पर्सन की जानकारी नहीं हो, ठीक है, तो हम उसको मार्क्स देंगे 4। और जो 3 मार्क्स देंगे, 3 मार्क्स देंगे, वो कब देंगे, जब पेशेंट आपके डिस्कशन में इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स काम में ले रहा है, तो हम मार्क्स देंगे 3 मार्क्स देंगे। तो ध्यान से समझिए कि
थ्री मार्क्स कब देंगे, यूज ऑफ इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है। तो अब इन चीजों को समझते हैं, बाकी लोअर वन को भी हम डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेड टॉक जिसमें हमने 5 मार्क्स पेशेंट को दिए, तो ओरिएंटेड का मतलब क्या है। जैसे पेशेंट हमारे पास आया और पेशेंट से हमने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने नाम बता दिया खुद का, या उसके भाई को पूछा या पिताजी को पूछा कि ये कौन है, तो कम से कम उसको पहचान जाए, उन चीजों को पहचान जाए जिनको पहचानना चाहिए या जिनको नॉर्मल इंसान पहचान सकता है उनको पहचानना चाहिए। तो हम मानेंगे कि टाइम प्लेस और पर्सन की एडिक्वेट उसको नॉलेज है और कॉन्शियस उसको है, तो हम उसको 5 मार्क्स देंगे। ध्यान से समझिए, 4 मार्क्स पे हमने डिस्कस किया था कि टाइम प्लेस पर्सन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है टाइम इज मिसिंग और पर्सन इज मिसिंग कुछ भी, तो हम उसको बोलेंगे डिसओरिएंटेड टॉक। और डिसओरिएंटेड टॉक में देखिए क्या होता है कि हमने टाइम के बारे में बात की, जैसे पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट को हमने बोला कि भाई बताइए अभी क्या समय हो रहा है, और मान लो चारों तरफ लाइटें जली हुई है या फिर अंधेरा हो रहा है, तो कोई भी समय नहीं बता सकता उसमें कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का GCS पुअर हो गया, नहीं, आप ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रखिए जिसमें एक नॉर्मल इंसान रिस्पोंड कर सकता है, टाइम बता सकता है, पर्सन बता सकता है। यदि उसमें ये पेशेंट नहीं बता पा रहा है तो हम उसको 4 मार्क्स देंगे। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में एक चीज पूछता है पेशेंट इज इन कंफ्यूज्ड स्टेट, तो कंफ्यूजन वाली बात आती है तो भी हम उसको 4 मार्क्स देंगे, डिसओरिएंटेड टॉक के अंदर ही हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट है आपके 3 मार्क्स कब देंगे, यूज ऑफ इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ध्यान से समझिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लो मैंने पेशेंट को पूछा टाइम के बारे में कि अभी सुबह हो रही है या शाम हो रही है, और पेशेंट बोलता है कि मैंने तो खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे आपने बात की है उस पॉइंट पे, जैसे आपने प्लेस की बात की, पेशेंट प्लेस की बात नहीं कर रहा है, कोई और पॉइंट पे बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस और खराब हो गई है, और अब उसको डिसओरिएंटेड में नहीं देंगे, हम यूज ऑफ इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाला मार्क्स देंगे, बोले तो 3 मार्क्स इसको हम अवॉइड करेंगे। आगे की बात करें कि इससे भी बेकार कंडीशन पेशेंट की और हो सकती है जिसमें हम 2 मार्क्स देंगे, क्या कि यूज ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। जैसे हमने पेशेंट को बोला कि आपका नाम क्या है, और उसने कुछ ऐसी आवाज निकाली जो वर्ड्स ही नहीं है, उन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं है, तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 1 मार्क्स हम यहाँ पे अवॉर्ड करेंगे। लास्ट हम चलते हैं मोटर रिस्पॉन्स की ओर। मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 6 है, तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं 6। मान लेते हैं पेशेंट को हमने बोला कुछ मूवमेंट करने के लिए कि भाई हैंड रेज कीजिए, और पेशेंट ने हैंड रेज कर दिया, मतलब हमने जो वर्बल कमांड दिया उसको फॉलो करते हुए उसने कुछ मूवमेंट किया, तो हम उसको 6 मार्क्स देंगे। दूसरा, यदि ऐसा नहीं किया तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को पेन देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं पेन दे रहा हूँ, ऐसे जोर से हमने पेन दिया और पेशेंट ने खुद की एक्सट्रीमिटी से उस पेन साइट को लोकलाइज किया और उसको हटाने के लिए उसने लिम को मूव किया, तो इसको बोलेंगे मूव टू लोकलाइज द पेन। इस कंडीशन में हम उसको मार्क्स देंगे 5। यदि ऐसा नहीं है तो और हम इससे भी आगे की स्टेप पे जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि फिंगर टिप पे पेन देंगे, जोर से पेन देंगे, और पेशेंट हल्का सा यदि यहाँ पे मूवमेंट करता है, यहाँ से पेन साइड से इसको वापस फ्लेक्शन करता है, खुद की तरफ खींचने का हल्का सा मूवमेंट कर सकता है, हो सकता है कुछ सेंटीमीटर ही ये हो, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम दी पेन साइड। यदि ऐसा करता है तो हम उसको यहाँ पे मार्क्स देंगे 4 मार्क्स, ठीक है। और 3 मार्क्स की बात करेंगे, 3 मार्क्स कब देंगे, जब हमने पेशेंट को स्टिमुलेशन दिया, पेन स्टिमुलेशन दिया, मान लो पेरी ऑर्बिटल पेन हमने यहाँ पे जोर से पेन दिया, और पेशेंट अपर लिम जो ये शोल्डर आप देख रहे हैं इसको यदि मिड लाइन की तरफ करके ले आता है, ऐसे पास में ले आता है, तो इसको बोलेंगे हम, कोई भी चीज जो मिड लाइन के पास में आती है उसको बोलते हैं अडक्शन। तो शोल्डर्स का यदि वो अडक्शन करता है उसके रिस्पॉन्स में, तो हम बोलेंगे कि डीकोर्टिकेट पोजिशन है, इस में हम यहाँ पे 3 मार्क्स अवॉर्ड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो ये अडक्शन होगा ये ओनली अपर लिम में ही देखने को मिलेगा, लोअर लिम में देखने को नहीं मिलेगा, लोअर लिम रिलैक्स ही रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपके डी सेरिब्रेट पोजीशन, जिसके लिए 2 मार्क्स देंगे। जैसे ही आप पेन दोगे, स्टिमुलेशन दोगे पेशेंट को, तो पेशेंट के शोल्डर्स पास में आने के बजाय आप दूर की तरफ जाएंगे, ठीक है,
मतलब ऐसे एक्सटेंशन वाली पोजीशन उसमें देखने को मिलेगी, तो आप डी कोर्टिकेट पोजीशन मानेंगे और 2 मार्क्स इसको देंगे। और लास्ट वन, यदि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम 1 मार्क्स देंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मिनिमम मार्क्स 1 है तीनों पैरामीटर में, तो यदि किसी का GCS स्कोर मिनिमम आ सकता है तो 3 आ सकता है और मैक्सिमम आ सकता है तो 15 आ सकता है। तो यदि किसी का GCS स्कोर 3 आ रहा है, मतलब सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, यू कैन से ब्रेन डेथ पेशेंट का हो चुका है, ब्रेन डेड पेशेंट है, अब यहाँ पे सुधार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो मिनिमम स्कोर 3 हो सकता है जो इंडिकेट करता है सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज को, और 3-7 जो आपके स्कोर है उसको हम मॉडरेट ब्रेन लीजन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। मॉडरेट ब्रेन लीजन इसके अंदर है, क्या मतलब कि 3-7 जो है इसके अंदर इतने ज़्यादा ब्रेन लीजन है कि पेशेंट की इस कंडीशन को आप कोमा कंडीशन बोल सकते हो, कोमा कंडीशन बोल सकते हो। 7 से ऊपर की तरफ चलें तो 8-12 इसके अंदर मॉडरेट ब्रेन लीजन आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 बार हमने मॉडरेट ब्रेन लीजन बोले, बट इसमें जो सीवियरिटी होगी ब्रेन डैमेज की वो जितना स्कोर कम होगा उसमें ज्यादा होगी। ध्यान से समझिएगा, 7 और 7 से नीचे कोमा कंडीशन होगा। आगे की बात मैं कर रहा हूं कि 12-15 इंडिकेट करता है माइनर ब्रेन लीजन, और 15 या 14 है तो फुली कॉन्शियस भी आप पेशेंट को बोल सकते हो। तो ये आपका होगा GCS। बट लास्ट पॉइंट मत भूलना कि GCS हमेशा तब असेस करना है जब पेशेंट को कोई भी सेडेटिव ड्रग नहीं चल रही हो, कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग नहीं चल रही हो और पेशेंट नींद के अंदर नहीं हो। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि पैरालिसिस है तो कितने नंबर देंगे, यदि प्लास्टर इन कास्ट है तो कितने नंबर देंगे, यदि इन सब चीजों का जवाब और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम एक और वीडियो इसके लिए लेके आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि और भी प्रॉपर तरीके से पूरे सिलेबस की आप तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन TSL नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।